नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मेथी चमन। आप सोच रहे होंगे कि बंदे ने चश्मा क्यों पहना हुआ है। भाई, जब फिल्म स्टार्स डार्क हॉल में, जब मूवी अवार्ड्स में अंधेरा छाया हुआ है वहाँ पे, या इंटरव्यू दे रहे होते हैं किसी बंद कमरे में, काला चश्मा लगा के बैठे होते हैं धृतराष्ट्र की तरह, तो ये ट्विंकल ट्विंकल स्टार क्यों नहीं पहन सकता चश्मा, है जी? ठीक है ना। तो एनीवेज, कमिंग टू द टॉपिक, चिकन मेथी चमन बनाते हैं आज। चिकन मेथी चमन के लिए आपको 1 to 1.25 केजीज चिकन चाहिए। आप उसे प्रेशर कुकर में डाल लें, एक ग्लास पानी डालें और हाफ टी स्पून नमक डाल के आप उसे फिफ्टीन मिनट्स के लिए प्रेशर कुक में लगा दें। पंद्रह मिनट प्रेशर कुक करके आपने चिकन को कुकर से निकाल लेना है। पैन को आप गैस में चढ़ाकर उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के डालें एंड उसे गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो जाने से उसके बाद आप उसमें 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स डालेंगे एंड उसे थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद आप इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और उसे स्टर करेंगे। एक से दो मिनट आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट को स्टर करना है हाई फ्लेम पे, 1 से 2 मिनट। और इसके बाद आपने 2 फाइनली चॉप्ड अनियंस को बीच में ऐड कर देना है। और इसके बाद आप इसको अच्छे से भूंजें। ये आपने 3 से 4 मिनट तक भूंजना है जब तक आपको ये थोड़े गोल्डन कलर के ना दिखाई दें। आपके प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब आप इसमें 2 फाइनली चॉप्ड टमाटर डाल दें। इसको थोड़ा स्टर करें। आपने डालनी है इसमें 4 से 5 फाइनली चॉप्ड मिर्चें। फिर से थोड़ा स्टर करना है आपने इसे एंड उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर। आधा चम्मच मिर्च का पाउडर। आधा चम्मच आपने इसमें डालना है हल्दी। और उसके बाद इसको थोड़ा स्टर करें।
आपने इसमें डालनी है सॉल्ट टू टेस्ट। मैं शुरू में थोड़ा कम नमक डालता हूँ बिकॉज बाद में नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाता है। फिर कलर के लिए आप इसमें देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। 1 से 2 चम्मच छोटे, वैसे ये तीखी नहीं होती देगी लाल मिर्च, तो आप 2 से 3 भी डाल सकते हैं। जब तक आपका मसाला थोड़ा भूंज रहा है तब तक आप ये जो चिकन निकाला था आपने इसको फाइनली श्रेड कर सकते हैं। चिकन श्रेड हो चुका है, आपका मसाला भी काफ़ी हद तक कुक हुआ है। अब आपने इसमें 1 बोल मेथी का डालना है। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर देना है ताकि मेथी इसके साथ घुल जाए। मेथी अच्छे से पक चुकी है, आप देख रहे हो ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आपने इसमें जो श्रेडेड चिकन था डालें, एंड डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन आपका इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। जो आपने चिकन को प्रेशर कुक किया था उसमें आपका स्टॉक जो निकला था उससे 1 कटोरी चिकन स्टॉक आप इसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे ढक देना है एंड 5 से 7 मिनट के लिए इसे आपने छोड़ देना है। मीडियम फ्लेम में आप रखेंगे उसको। जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन एंड मेथी अच्छे से घुल गई है एंड अच्छे से पक गई है। अब आपने इसमें डालना है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर एंड 1 चम्मच मेथी आपने इसमें डाल के इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने अब इसमें डालना है 10 से 12 काजू जो आपने वार्म वाटर में सोक करके रखे थे, उनका पेस्ट बनाया था, उसको आपने इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसे थोड़ी देर कुक होने देना है। फ्लेम आप इसको आप मीडियम से हाई कर सकते हैं। देखिए कलर इसका प्यारा सा आ गया है, बट अभी और एक इन फाइनल इसमें इंग्रेडिएंट डलेगी उसके बाद ये एकदम टकाटक हो जाएगी। जब तक ये कुक हो रही है आपको मैं रीज़न बताऊंगा कि बोनलेस चिकन हमने क्यों लिया, श्रेड क्यों किया। इसके 2 रीज़न हैं, बड़े फनी रीजंस हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो बोनलेस मेरे जैसे आदमियों के लिए जो कि बड़े ही लेज़ी टाइप के होते हैं जिनसे बोन से अलग किया नहीं जाता चिकन, तो ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है। मैं प्रेफर करता हूँ बोनलेस क्योंकि नहीं तो कौन मेहनत करे बोन से चिकन को निकालने का। तो एक रीज़न तो वो हुआ। दूसरा रीज़न मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई, जब मैं बहुत छोटा था आई वॉज़ अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड जब मैं अपनी दीदी के पास गया था दिल्ली। तो दिल्ली में दीदी रहती थी तो उन्होंने मेरे लिए, उनको पता है मेरा पनीर बड़ा फेवरेट होता था,
तो उन्होंने मेरे लिए पनीर मटर पनीर बनाया एंड टेबल पे सर्व किया। उनके ब्रदर इन लॉ भी सामने बैठे थे, छोटे हैं वो, उनका नाम था हैंसी। तो जब वो बैठे तो क्या हुआ कि देखते हैं कि हैंसी साहब बोल में ढूंढ रहे हैं कि मीना व्हाट हैव यू मेड। तो इन्होंने बोला मटर पनीर है। तो वो ढूंढ रहे हैं बोल में, उनको मटर ही मटर दिख रहे हैं। तो जब सबने नज़र मारी तो देखा कि सारा पनीर मैंने अपने प्लेट में डाल लिया था, बिकॉज पनीर मुझे बड़ा फेवरेट था। ओके, दीदी बड़ी एम्बेरस्ड एंड बोलती हाँ बेटा थोड़ा कम हो गया था ना पनीर इसलिए, बट एनीवेज मैं तो बेशरम था, मैंने तो चुपचाप खा लिया। तो उसी से एक लेसन मिला कि उन लोगों के लिए जो बड़ी बेशर्मी से पीसेस निकाल निकाल के खा लेते हैं, उनके लिए श्रेड ही कर दो चिकन। तो श्रेड कर दोगे तो क्या होगा कि एटलीस्ट पीपल कांट टेक आउट चिकन ओनली फ्रॉम द ग्रेवी एंड ईट। छोटी सी कहानी है। अब इसमें आपने फाइनली लास्ट स्टेप जो है डालना है आधा कप क्रीम का। रिच है खाना, रिच है, लेकिन रिच होता है तभी टेस्टी आता है, तभी आप बार बार रेस्टोरेंट जाते हो ना, क्योंकि आपको वो क्या क्या डाल के देते हैं आपको भी नहीं पता। तो इट्स रिच, लेकिन ठीक है, बोलने की बात है, किसी का कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, जीभ चलनी चाहिए। फाइनली आपने इसमें डालना है कोरिएंडर लीव्स, दैट्स इट, तैयार है ऑलमोस्ट। अब आपने इसको मिक्स करना है, एक आध मिनट और छोड़ दें एंड उसके बाद आपने इसको बंद करके सर्विंग बाउल में डालना है। फाइनली इसमें मैंने डाल दिया आधा चम्मच ब्राउन शुगर, जिसको थोड़ा मेथी की कड़वाहट पसंद नहीं है तो ब्राउन शुगर उसको थोड़ा मॉडरेट कर देता है। एंड आधे मिनट के लिए मैंने उसको मिक्स किया एंड आपकी चिकन मेथी चमन तैयार है। गैस को बंद करें, इसको थोड़ा कूल होने दें एंड सर्विंग बोल में डाल दें। तैयार है आपका चिकन मेथी चमन, बहुत टेस्टी है, खा के देखा मैंने, और आप भी ट्राई करें घर में, बहुत अच्छा लगेगा। यम्मी मेरी मम्मी, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दफ़ा हुई है, आई डोंट केयर। बाकी और एक बात कहनी थी, हाँ और एक बात ये कहनी थी कि लोग पूछते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी बनी है, फॉर हाउ मेनी पीपल। तो पीपल से जो दूसरे शेफ़ हैं वो बोलते हैं कि ये 4 to 6 पीपल है, बट आई फाइंड दैट आंसर टू बी वेरी वेग, डिपेंडिंग ऑन आपकी डाइट क्या है। खाने वाला हो तो 2 बंदे खा लें, और ना खाने वाला हो तो शायद 6 को भी ज़्यादा हो जाए। तो इट्स मीनिंगलेस टू से कि कितनों के लिए पूरा होगा। बाकी एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।